रियलिटी तो यह है कि सरकार हो या व्यापारी हो, किसान हो या मजदूर हो, हम सब देश के लिए काम करते हैं। और हम वो लोग हैं जो हम चाहते हैं कि आप लोगों की शक्ति बढ़नी चाहिए। दूसरी बात है, आपका व्यापार कैसे चलेगा भैया? छोटा व्यापारी रोजी रोटी कहां से कमाएगा? छोटा व्यापारी रोजी रोटी तब कमाएगा जब सामान्य व्यक्ति की खरीद शक्ति बढ़ेगी। अगर सामान्य नागरिक की खरीद शक्ति नहीं बढ़ती है तो शादी में पहले 2000 रुपए का मान लेता था, अब 200 का लेगा, खरीद शक्ति उसकी कम हो गई है। और इस काम के लिए ओवरऑल देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत देने की जरूरत है, तभी सामान्य व्यक्ति की खरीद शक्ति बढ़ेगी। सामान्य व्यक्ति की खरीद शक्ति बढ़ेगी तो व्यापारी के पास सबसे पहला रूप किया जाने वाला है, और तभी वहां से मैन्युफैक्चरर के पास जाने वाला है, और यह सब होगा तब सरकार की तिजोरी में आने वाला है। सरकार की तिजोरी लास्ट में है, सबसे पहले दरवाजे पर आप खड़े हैं, सबसे पहले दरवाजे पर व्यापारी खड़ा है कि रुपया आया नहीं, खर्च पहली दुकान वही हो, पहली खिड़की की वही होती है। हमने इस लिंक को कैसे जीवंत बनाया है, वो हम जितना जीवंत बनाते हैं उतना उसका लाभ होता है। हमारी कठिनाई ये नहीं है कि हम व्यापारियों के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमारी तो छवि है सालों से कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी तो व्यापारियों की पार्टी है, ये छवि ऐसे थोड़ी नहीं होगी। कुछ तो आपके लिए सोचते होंगे, कुछ तो आपके लिए करते होंगे, तभी तो बनी होगी। कुछ बातें हैं जिस पर जैसे एक विषय है कानूनों के संबंध में, कभी कभी मुझे लगता है कि देश में एक ऐसा कानून बनाने की जरूरत है जिसमें एक नया कानून तब बनेगा जब 10 पुराने कानून खत्म करोगे। कितना बड़ा कानूनों का जाल बन गया है, और इसलिए कानून सरल हो, सहज हो, सामान्य व्यक्ति को ताकत देने वाले हो, ये मूलभूत। वरना दूसरा जो मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, आपके दिमाग में क्यों भर गया है कि आप कुछ और हैं, देश कुछ और है, सरकार कुछ और है? सबसे बड़ी कठिनाई ये दीवारें जो खड़ी हुई हैं उसके कारण है। दीवारें 60 साल के कुछ न कुछ ऐसी बातें हुई जिसके कारण हुआ है। पूरे सरकार नाम की जो मशीनरी है, प्रधानमंत्री से लेकर के गांव में चपरासी तक, उसके कायाकल्प की जरूरत है। और सचमुच को यह तो लगता है कि देश दिल्ली में चलाने की फैशन बंद होनी चाहिए। राज्यों की अपनी ताकत होती है, राज्यों पर भरोसा करना चाहिए, राज्यों को वहां की व्यवस्थाएं क्या है विकसित वैसे करनी चाहिए। हमारे पूर्वजों की कमाल देखिए साहब, उनकी अर्थनीतियां कैसी होती थी, समाज नीतियां कैसी होती थी, और जीवन को ताकत कैसे मिलती थी। अब देखिए हमारे यहां दक्षिण में सुपारी की खेती होती है, ज्यादातर व्यापारी किसान हमारे सुपारी की खेती में लगे हैं। मुझे बताएं कोई भाई, किसी विज्ञान ने ये सिद्ध किया है क्या कि सुपारी से ये फायदा होता है, हेल्थ को ये फायदा होता है, न्यूट्रिशन में ये फायदा होता है? किसी ने मैंने तो नहीं पढ़ा अभी तक। हमारे पूर्वजों ने क्या दिमाग लगाया जी कि ये सुपारी का कोई हेल्थ वैल्यू तो है, दिखता नहीं है, तो ये सुपारी बेचने वाला रोटी कैसे कमाएगा, खाएगा, पेट कैसे भरेगा? तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया, सुपारी को पूजा में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दे दिया, बड़ा मार्केट खड़ा कर दिया जी। तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया, सुपारी को पूजा में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दे दिया, बड़ा मार्केट खड़ा कर दिया जी।
ये देखिए कैसी सोच है, कितना बड़ा इंटीग्रेशन है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। ये विजन चाहिए जी, और उसके कारण आज सुपारी पैदा करने वाले व्यापारी को मार्केट मिल जाता है, वो सुपारी जो कोई खरीद नहीं सकता वो गणेश जी बनकर के व्यापार रोजगार चला है। दुनिया में कोई देश आक्रमण करना, लड़ाई लड़ना, देश जीतना, वो अड़ोस पड़ोस में हुआ करता है, अड़ोस पड़ोस में हुआ करता है, पड़ोसी देश की जमीन ले लो, लूट लो, ये सब सदियों पहले हुआ करता था। लेकिन विश्व में फैलने का सबसे बड़ा माध्यम सदियों से व्यापार ही रहा है। वक्त बदल चुका है, आज एक्सटर्नल एफर्ट्स मिनिस्ट्री का मूल काम ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया है, मूल काम आपका एक्सपोर्ट कितना बढ़ रहा है, आपका इंपोर्ट कम, मूल काम। लेकिन उसका जो शिक्षा दीक्षा हो रही है वो वही हो रही है डिप्लोमेटी, तो फिर डिप्लोमेसी शब्द से इतना क्या है, तो ट्रेड डिप्लोमेसी सोचो, उसी को डेवलप करो, कॉमर्स डिप्लोमेसी सोचो। हमने एक बहुत बड़ा, और इसलिए हमारे व्यापारी आलम को डरने की जरूरत नहीं है, एक बड़े व्यापक फलक पर हम एंट्री नहीं कर रहे, करने की जरूरत है, यानी विश्व में हमारी छवि बनाने का काम व्यापार के माध्यम से हुआ है, व्यापारियों के माध्यम से हुआ है, और उसमें लगी हुई ईमानदारी के माध्यम से हुआ है। इस ताकत और हैसियत को जो जानता है, देश का गौरव करता है, वो हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है हमारी व्यापारी आलम। व्यापार का पूरा दायरा एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है, वो रुष्ट पुष्ट होगी तभी तो देश के शरीर का अर्थतंत्र चलेगा। मुझे बताइए, आज किताब खरीदने के लिए कोई इंसान किताब की दुकान में क्यों जाएगा, कोई मुझे बताए। ऑनलाइन सारी किताबें अवेलेबल है, उसको ऑर्डर करना है, अच्छा उसमें तो कोई मिलावट होनी नहीं है, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। और व्यापारी देखिए, सेना में जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती है, कभी व्यापारी बन ही नहीं सकता है, वो मजदूरी कर लेगा, वो व्यापारी नहीं बन सकता है। व्यापारी वही होता है जो जीवन खपाने की हिम्मत रखता है, छोटा भी होगा ना तो भी साहब उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत होती है, वो जॉब देता है अपने आप। ये क्वालिटी है इस बिरादरी की, इस क्वालिटी को हम पकड़े और उसको लेकर के हम व्यवस्थाओं को विकसित करें, और इससे घबराए मत मित्र, इसको अपॉर्चुनिटी मानिए। मैं आपके प्लेटफॉर्म पर आकर के आपको एक बात बताने की हिम्मत करता हूं, क्योंकि मुझे मेरे देश के व्यापारियों में भरोसा है, और जितनी ज्यादा हम ये सुविधाएं प्रदान करेंगे, आप देखना हम लोगों का तो साहब पूरे यूरोप में जितने व्यापारी होंगे ना, उससे ज्यादा व्यापारी हमारे यहां एक राज्य में होता है, हिंदुस्तान में एक स्टेट में होता है, तो हम तो दुनिया को कब्जा कर सकते हैं जी। आज सामान्य व्यक्ति ब्रांड की तरफ क्यों गए, पहले वो मेरे यहां आता था, हल्दी खरीदता था, आज वो पैक हल्दी क्यों मांग रहा है, उसके मन में भरोसा टूट चुका है। हमारे देश में पता नहीं क्यों सालों से सरकार को ऐसा लगता है कि बाकी सब चोर है, इनकम टैक्स वाले को लगता है सारी दुनिया चोर है, देश ऐसे नहीं चल सकता है। सरकार हो या समाज हो, व्यापारी हो या व्यवस्था हो, एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, भरोसे की शुरुआत होनी चाहिए, उसके बाद कोई कमी आती है तो उस कमियों के लिए कानून आता है। कानून से समाज नहीं चलता है, भरोसे से व्यवस्था चलती है, व्यवस्था टूटती है वहां कानून एंटर होता है। ये मूलभूत चिंतन को लेकर के मैं कहता हूं, शासन व्यवस्था में जो कायाकल्प करने की जो मैं बात कर रहा हूं, वो इस सोच से शुरू हो रही है। और मैं मुझे मेरा तजुर्बा रहा है, मुझे एक्सपीरियंस रहा है कई वर्षों तक शासन चलाने का,
और इसलिए मैं विश्वास से कहता हूं भाई बहनों, कोई कारण नहीं है हमारा देश ऐसी दशा में जीने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। ये देश समृद्ध होने के लिए पैदा हुआ है, भव्य दिव्य बनने के लिए पैदा हुआ है।